एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स द ऑफिशियल एंड वेलकम बैक टू एक और बहुत ही शानदार सा रिव्यू रविवार वीडियो में। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम करने वाले हैं मीशो हॉल। मीशो की कई सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं, थोड़ा अनबॉक्स कर लिया है, कुछ अनबॉक्स करना है जो हम साथ में करेंगे। बट उसके पहले ये जो क्यूट सा टॉप पहने आप मुझे देख रहे हो ना, ये भी बहुत ही जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ कहाँ से क्या है, उसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लेना। बाय द वे, ढेर सारे रिव्यू रविवार वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है तो उनको जाकर देखना बिल्कुल भी मत भूलना। बट पहले ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही शानदार से पीसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं सबसे पहला वाला। सो ये जंप सूट मैंने इसमें ऑर्डर किया है, रॉयल नहीं एक्चुअली नेवी ब्लू कलर है इसका एंड काफ़ी फ्लेयर्ड लग रहा है ये। सो इसको स्टाइल करेंगे अभी, देखते हैं फटाफट से पहन के। इसके साथ आया है ये एक बेल्ट और नॉट गोना लाई, इसको पहनने में मुझे बहुत टाइम लग गया, बहुत मुश्किल है यार ये जंप सूट्स में ना ये फिगर आउट करना यार, कहाँ से घुसना है, कहाँ से बाहर आना है, हाथ कहाँ से डालना है, ओ माई गॉड, थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें। आपको यहाँ साइड में आपको ना इसमें जिप मिल जाती है थ्रू आउट, यहाँ तक आपकी वेस्ट लाइन तक मिल जाती है जिप, विच मेक्स इट जस्ट अ लिटिल ईजी टू वेयर। बाकी कहीं अगर लंबे टाइम के लिए जा रहे हो और सोच रहे हो कि आप ये जंप सूट पहनो, प्लीज़ उस आइडिया को वहीं ड्रॉप कर देना, नेचर कॉल अटेंड करना ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नंबर टू एडवाइस वुड बी कि जो भी साइजिंग आपको दिख रही है ना वेबसाइट पर, प्लीज़ उसको अवॉइड कर दो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एक साइज अप जरूर करना, आई विल ऑल्सो एक्सचेंज दिस विद अ डिफरेंट साइज। इसके साथ साथ प्लस प्लस की बात कर लेते हैं, मैंने माइनस की बात तो कर ली। प्लस पॉइंट इज कि दिस हैज टू क्यूट लिटिल पॉकेट्स, जो कि एक्चुअली उतनी लिटिल भी नहीं है, आप इसमें अपना अच्छा खासा जो है सामान रख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में खूब सुंदर सा ये कॉलर स्टाइल भी नेकलाइन आपको मिल जाता है, इसके साथ ये बेल्ट मिल जाता है विच इज़ लाइक काइंड ऑफ द सोर्स सोर्स, क्योंकि आप अपना दूसरा बेल्ट भी जैसा एक स्कार्फ मैंने ले लिया है। तो हम क्या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कहीं छोटे आउटिंग है आपकी, तो आप इसको इस तरीके से भी कैरी कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई फील कि ठीक ही लग रहा है, मतलब इतना बुरा भी नहीं लग रहा। साइज़ अप जरूर कर लेना इसका। फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे आपकी फेवर में नहीं है फैब्रिक, है ना, काफ़ी आपका ना स्वेट उसको सोक नहीं करेगा, सो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है ये। बाकी तो सब सॉर्टेड है, बाकी गुड है। कलर वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो फॉर मी इट्स अ प्लस, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। चलो अब मिलते हैं अगले ड्रेस पर। अच्छा, आप में से जंप सूट्स और किस किस को पसंद है ना, नीचे मुझे कमेंट कर बताना। ओके, ये तो कलर की वजह से एक्चुअली ऑर्डर किया है ये वाला टॉप, बिकॉज ये कलर मुझे काफ़ी पसंद है। सो ये कुछ ऐसे मटेरियल का है, वो रिब वाला इफेक्ट है इसमें, आई होप आप उसको देख पा रहे होगे। वेरी सिंपल, इनफैक्ट अभी जब विंटर्स आ जाएंगे ना तो ये कुछ ऐसे ब्लेजर या जैसे हल्की फुल्की ठंड है ना तो ब्लेजर वगैरह के अंदर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो कलर अच्छा है इसका, फिट को लेके मैं ज़्यादा आपको तब बता पाती जब ये मुझे ठीक से, मतलब मेरी कम्फर्ट के अकॉर्डिंग फिट होता, बट अभी फिलहाल वैसा नहीं है। बाकी ये है स्लीवलेस, तो अगेन जैसे मैंने अभी फिलहाल स्टाइल किया है इसको या यू नो किसी ब्लेजर के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये, नो डाउट। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है यू कैन ऑर्डर, बट साइजिंग को लेकर थोड़ा सा बस ध्यान रखना, अगर बॉडी हगिंग क्लोज चलते हैं तो एक साइज अप करना, अदरवाइज दो साइज अप कर लेना। बाकी इट्स ऑल गुड फ्रॉम माय एंड। पीछे से पूरा पैक है, ऐसे कॉलर लुक में आपको मिलता है, यहाँ पे छोटा सा ऐसे वी नेक है, पहनने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं, आराम से आप पहन पाओगे इसको, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा साइजिंग ने डिसअपॉइंट कर दिया आराम से। तो चलो अब चलते हैं अगले ड्रेस पर। एंड इसके बाद हमने ऑर्डर किया है ये एसेसरीज भी, जैसा मैंने कहा सारी चीज़ें मिलेंगी तो एसेसरीज भी हैं, बट ये बहुत काम की चीज़ है, ये एक बेल्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यूनिसेक्स बेल्ट कुछ इस तरीके का ये बेल्ट है, इसको यहाँ से हमें फिक्स करना है, I mean, कितना ये पूरा रबर है और राइट, तो कितना स्ट्रेच होगा क्या होगा वो सब कुछ आपको इसमें यहाँ से कंट्रोल करना है। इसके अलावा ऐसे दो हुक्स दिए हुए हैं आपकी जो जीन्स है या शॉर्ट्स हैं ट्राउजर व्हाटएवर यू आर वेयरिंग उसके साथ में ऐसे करके आप फिक्स कर सकते हो। सो व्हाट हैपन इज इसमें बकल नहीं आता है तो फ्रंट में कुछ नहीं आएगा, बट साइड में पूरा कंप्लीट आपको ना वो एक स्ट्रेच दे देगा होल्ड करने के। इसके साथ हमारे पास है ये इयररिंग का सेट, ऑलराइट, इसमें 4 इयररिंग्स आते हैं, क्वालिटी अच्छी है, मैं इन क्वालिटी वेयर कर चुकी हूँ अपने एक हॉल के लिए, जो आप देखोगे जैसा मैंने कहा ये आता है। इसके साथ हमारे पास ये दो है, इसके अंदर दो हैं, पर्ल वैसे पर्ल ड्रॉप वाला इयररिंग है। टी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही थी। ओके, फैब्रिक
लेट्स सी कैसा आएगा। काफ़ी कूल कूल वाइब ये दे रहा है, जैसे काफ़ी सारा हम ट्रैवल करते रहते हैं। आई मीन आपने देखे होंगे मेरे चैनल पर ट्रैवल वीडियोस होते हैं, हम साथ में बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं, तो अगर नहीं देखा है तो उसके भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। बहुत सारी जगह हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर ली है, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी जगह हम जाएंगे तो ज़रूर देखना। तो ये ऐसे ट्रैवल टाइम में ना, जैसे जर्नी वगैरह में मुझे ऐसे लूज़ लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं, तब तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। फैब्रिक भी अच्छा है, मतलब थोड़ा सा डाइसी थी कि एकदम ही ऐसे रबर रबर जैसा तो नहीं आएगा, बट इट्स गुड एज यू कैन सी। एंड यहाँ बैक से थोड़ा सा सॉफ्ट वाला इफेक्ट भी है, यहाँ से थोड़ा सा शाइनी वाला है, बैक से सॉफ्ट है, प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। सो ये तो ऑलरेडी लगी बहुत प्यारी। वेरी क्यूट सी टी शर्ट जो कि ना थोड़े से वाइट और लैवेंडर के बीच का सा कलर है, इट्स नॉट एकदम लाइक आपका ढिंचैक वाला वाइट, बट बहुत ही क्यूट सी टी शर्ट है। बेबी डाइनो इस पे बने हुए हैं, थोड़ा बहुत टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट और ग्राफिक मिक्स ये टी है। और जैसा मैंने कहा कि ट्रैवल वगैरह में ना बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके की टी शर्ट्स, लाइक देखने में भी और ख़ुद को भी बड़ा अच्छा लगता है जब अपने आप को देखो ना। मैं रखते हैं टी शर्ट की अगर मैं बात करूँ, सो इट्स एक्चुअली यू नो यू कैन सी कि यहाँ तक ये लॉन्ग है, बिलॉन्ग मैंने थोड़ा सा ऐसे कट कर लिया है इसको, इसको पहनाया मैंने ये साथ में, आप किसी के भी साथ आई मीन क्लियरली इसको स्टाइल कर सकते हो। एंड हाँ, क्या कहा आपने, ऑल राइट, तो ये जस्ट मैंने अभी शो ऑफ किया फॉर नो रीज़न एट ऑल। ये ना मैंने एक शॉर्ट्स शेयर किया था, अगर नहीं देखा है आपने तो वो जाकर जरूर प्लीज़ देखना। ये ब्रोच था और मैंने इसको एज ए इयरिंग वेयर करना स्टार्ट कर दिया है, मुझे बहुत ही पसंद है। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ माई थिंग, कोई चीज़ अगर मुझे अच्छी लगती है ना तो फिर आई गेट स्टक, तो ये बस बिल्कुल वही हो रहा है। तो कई सारे हॉल में आप मुझे देखोगे इन्हें पहनते हुए, ब्लॉन्ड करते हुए, कई सारे शॉर्ट्स में भी आप देखने वाले हो। तो इसके साथ एक्चुअली अच्छा लग रहा था और थोड़ा पंकी वाला लुक आ, तो मैंने कहा वाई नॉट टू पेयर दिस विद दिस क्यूट सी टी शर्ट, पूरा लुक ओवरऑल काफ़ी और क्यूट हो जाएगा। तो या दिस इज इट, अच्छा है। इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो भी आप देख रहे हो, एल्बो के जस्ट यहाँ ऊपर तक आ रही है। एंड दिस इज द लुक फ्रॉम द डेफिनेटली येस फ्रॉम माई साइड, बिल्कुल जाकर चेक कर सकते हो। सारे ही लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चलो मिलते हैं अगले हमारे टॉप पर। एंड इसके बाद हमारे पास है तो ये प्रिंट पहने हुए, आप मुझे इसमें साड़ी भी देख चुके हो और हमने एक क्रॉप टॉप भी ऑर्डर किया था। एंड आज मैंने ऑर्डर कर लिया है इसमें शर्ट, ये एक नॉट शर्ट है, फ्रंट में नॉट बनता है। इसका फैब्रिक उतना अच्छा नहीं, बट ठीक है, काम चलाऊ ठीक है, मतलब फ्रंट में यहाँ पर ऐसे पूरा ये नॉट बनेगा। एंड दिस इज़ द लुक, ठीक है, मतलब ये ओके। मैं लेकर आ गई हूँ ये बहुत ही क्यूट सी नॉट शर्ट, जिसमें फ्रंट में यहाँ पर नॉट बनती है। एंड ये एक क्रॉप शर्ट है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, हाई वेस्टेड पैंट्स के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके का लुक। मैं बहुत ज़्यादा इसके फैब्रिक्स आपने देखा था अनबॉक्सिंग के टाइम पर, मैं उतनी ज़्यादा खुश नहीं थी, अब प्रॉमिसिंग का नहीं लगा था, बट द मोमेंट आई यू नो पुट ऑन दिस, अब मुझे ये अच्छी लगने लगी है शर्ट। ऑल्दो आई स्टिल ऑन द सेम पेज, फैब्रिक उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है समर्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं, बाकी सारी सीजन में ना बहुत अच्छे से चल जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें ना थोड़ा सा इशू है यार, मुझे लगता है साइज़ अप करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से ना थोड़ा सा ये ओपन हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ गुड फीलिंग जब आप इसे ऑफिस के लिए पहन रहे हो और बार बार यू नो यू आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग कर रहे हो क्या हो रहा है, सही तो है या नहीं है, उसको फिक्स करके जाओ। उससे अच्छा आई गो फॉर अ साइज़ अप इन दिस शर्ट, तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। एंड बाकी ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है, स्लीव्स भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरी जो लेंथ आ रही है ना स्लीव्स की, एकदम फुल नहीं है, एकदम एल्बो तक नहीं है, दिस इज समवेयर इन मिड, तो ये अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सो इट्स डेफिनेटली अ प्लस फ्रॉम माय साइड, आई एम गोइंग टू कीप दिस बट आई एम गोइंग टू गो फॉर एक्सचेंज। चलो अब मिलते हैं अगले वाले से पर। एंड इसके साथ एक ये बहुत ही क्यूट सा ये टॉप है, जिसकी स्लीव्स इसकी हाईलाइट है, एकदम ऐसे पूफी पूफी वाला लुक आता है, तो ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। बाय द वे सबके लिंक्स आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर चेक कर सकते हो, सारा डिटेल्स वहाँ पर मिलेगा। ऑल राइट, अब बारी है एक बेहद ही क्यूट से टॉप की, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है, इसे मैंने स्टाइल किया है प्लीटेड स्कर्ट के साथ में, बट ये ना ऑनेस्टली आपका ऑफिस वेयर, आपका कैजुअल वेयर, कुछ भी बन सकता है, सॉलिड कलर है, इसमें ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिर्फ कलर ऑप्शंस ही नहीं, लगभग सारे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये वाला क्यूट सा टॉप आपको मिल जाएगा, मिंत्रा, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, कुछ भी चेक कर लो, सब जगह है। मैंने मीशो से लिया है, तो मैं उसका लिंक नीचे आपको दे दूँगी। टॉप की अगर हम बात कर लें तो इतना सुंदर इसका नेकलाइन है, एंड यही आपको स्क्वायर में पीछे मिल जाता है इसका नेकलाइन। यहाँ पर इट इज़ नॉट इलास्टिक, बट थोड़ा सा ना इसे सिंचिंग इफेक्ट आता है, जो बहुत अच्छे से आपके शोल्डर्स पर फिट हो रहा है, इट्स नॉट लाइक ऐसे यू नो निकल आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपको मिल जाता है ये इलास्टिक, तो यहाँ पे इतना सुंदर से सेट हो रहा है, इसके सबसे
सबसे खूबसूरत बात है इसके ये स्लीव्स, जस्ट लुक एट देम यार, कितना क्यूट है। और इसका जो ओवरऑल स्टाइल है ना टॉप का, वो बहुत ही प्यारा है। इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं, ब्लाउज भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू यू नो एक्सपेरिमेंट समथिंग। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड डेफिनेटली आई थिंक आई एम गोइंग टू ऑर्डर फ्यू मोर कलर्स ऑन द सेम। एंड या कैसा लगा है आपको नीचे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इसे फिलहाल मैंने ऐसा कैजुअल सा लुक रखा है, तो ये ब्रेसलेट्स वेयर कर लिए हैं। बाई द वे ये है हमारा मिंत्रा से, जो आपको मिंत्रा के हॉल में देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ जाकर ज़रूर चेक करना। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी तरीके के धमाकेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। सिर्फ रिव्यू रविवार ही नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम कुकिंग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी जगह हम साथ में ट्रैवल भी करते हैं। तो ये सारे फन के लिए ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ फिलहाल तो सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे अभी जो जो आपने देखा। इसके अलावा और कौन कौन सी प्लेलिस्ट चैनल पर चल रही हैं उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। जो भी आपको इंटरेस्ट करता है प्लीज़ गो वॉच एंड शो सम लव बाय लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ये देखो मेरा नया टूट गया है।